Assalamualaikum. Six class. In collaboration with Allied School Al-Fajr Campus, I am your teacher. I am here to teach computer. Today we will start lecture number six. In lecture number six, we will discuss unit number two. Uh, unit number two is all about electronic mail. As we previously discussed, let's start our lecture. Question number eleven. Explain captcha. Captcha. एक्चुअली में क्या चीज है अ कैप्चा इज अ टेस्ट ये किस्म का टेस्ट होता है यूज इन द प्रोसेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर इंटरनेट जब हम कंप्यूटर इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं टू इंश्योर यकीन करता है रिस्पॉन्स जनरेट किया गया है, है मुश्तमल होता है एंड डिजिट्स और डिजिट्स पर मुश्तम होता है कैप्चा एक तरह का कोड है जिसके जरिए वो हमें टेस्ट करता है और वो जो कोड uh, होता है वो लेटर्स और डिजिट्स पर जो है मुश्तमिल होता है इन अ डिस्टॉर्टेड मैनर डिस्टोट Manner कहते हैं बेतरतीब अंदाज से लिखा हुआ यू हैव टू टाइप द सेम लेटर्स एंड डिजिट इन द बॉक्स वो बेतरतीब अंदाज से कुछ कोड दिया होता है जो डिस्टॉर्टेड मैनर में होता है और आपको वही सेम लेटर्स और डिजिट्स जो होते हैं वो आपको गिवन बॉक्स में लिखने होते हैं इट प्रिवेंट्स ये बचाता है द मिसयूज ऑफ ईमेल एड्रेस बाय सम अदर पर्सन ये चीज सब चाहता है कि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन आपका ईमेल यूज ना कर रहा हो आपका ईमेल एड्रेस यूज करके किसी को मैसेज ना कर रहा हो ना आपका जो मैसेज है जो आपने रिसीव करना है वो कोई और रिसीव कर रहा हो सो so बेटा ये मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए दिखाई गई है ये डायग्राम कि जब आपके इंटरनेट पर इस तरह का आ रहा होता है या आप अपनी जी मेल साइन कर रहे होते हैं या कोई इंटरनेट पर कोई और काम कर रहे होते हैं जब भी कैप्चा कोड आता है सो उसका पर्पज यही होता है कि वो आपको टेस्ट कर रहा होता है कि आप एक ऑथराइज पर्सन है या नहीं है वो आपको बचाता है इस चीज से कि आपकी ई का मिस ना हो ये आपको एक डायग्राम दी है एक पिक्चर के जरिए आपको समझाया गया बेटा ये देखिए ये डिस्टॉर्टेड मैनर में जो है आपको कोड दिया गया जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर में ये आपको एक डिस्टॉर्टेड मैनर में दिया गया है फोर डबल थ्री एट फोर वन एक्चुअली में इस तरह से कोड होता है जो विजिबल होता है क्योंकि अगर आपकी जगह कोई और किसी ने हैक किया हो या कोई रिबोर्ट यूज कर रहा हो तो वो इसको नहीं सॉल्व कर सकता कि ये क्या लिखा हुआ है लेकिन क्योंकि आप एक पर्सन होते हैं आप विद यूजिंग ऑफ माइंड देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ और इसको एज इट इज ये गिवन जो बॉक्स है वहां पे आप एंटर करेंगे लाइक फोर था आपने एंटर किया थ्री थ्री आगे हम देखते हैं क्या है आपके पास आप देख सकते हैं एट लिखा हुआ है आप एट टाइप करेंगे नेक्स्ट आपके पास आता है फोर एंड नेक्स्ट वन इज वन आपने इसे कोड को एंटर किया इसके बाद नीचे ऑप्शन आ रही हो, होती है आई एक्सेप्टेड और उसपे जब से एक्सेप्ट करेंगे आप उस पर क्लिक करेंगे और इंटरनेट उसको एक्सेप्ट कर लेगा अगर तो आपने कार्ड जो दिया हुआ है यहाँ पे उसको एज इट इज बिल्कुल करेक्ट एंटर किया है तो आप आगे प्रोसीजर पे जा सकते हैं और अगर नहीं तो वो दोबारा कहेगा कि आप उसको प्रूफ करें कि आप एक रोबोट नहीं है आप एक ऑथराइज पर्सन है जो कि उसे यूज कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हाउ डू यू क्रिएट एन ई मेल अकाउंट इन एन एनी ई मेल प्रोग्राम ये आपको एक्चुअली में बता रहा है कि अगर आपने ई मेल अकाउंट बनाना है किसी भी ई मेल प्रोग्राम पे जैसे कि आपने पढ़ा था कि ई मेल प्रोग्राम डिफरेंट होते हैं जैसे कि आपने पढ़ा था कि जी मेल होती है हॉटमेल होती है याहू मेल होती है आप किसी पे भी जो है वो प्रोग्राम बना सकते हैं सो so, कह रहा है कि आपने ई मेल अकाउंट एक क्रिएट करना है वो आप किसी भी जो ई मेल प्रोग्राम पे वो किस तरह से करेंगे बट उसके फॉलोइंग स्टेप्स हैं ओपन एनी वेब ब्राउजर जैसे कि हम क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं वेब ब्राउजर किसे कहते हैं वेब ब्राउजर किसी भी एक ब्राउजर को कहते हैं जहां से आप कोई भी चीज सर्च कर रहे होते हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड आपका जो इंफॉर्मेशन है वो सर्च करता है और आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाता है टाइप द वेबसाइट एड्रेस आप वेबसाइट का एड्रेस लिखेंगे लाइक मैंने जी मेल पे अगर अकाउंट बनाना है तो मैं लिखूंगी डब्ल्यू और उसके स्टार्ट में जैसे कि मैंने आपको बताया कि डब्ल्यू ये थ्री जो डब्ल्यू हैं ये डालना कंपलसरी है क्योंकि इसका मतलब डब्ल्यू डब्ल्यू का वर्ल्ड वाइड वेब है तो इसका मतलब है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी ग्लोबली कनेक्ट करता है और ग्लोबली जो आपका सर्च आउट करता है। वेबसाइट वेबसाइट प्रेस 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 की 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 की। उसके बाद आप की प्रेस like उसके बाद आप एंटर एंटर करेंगे लाइक लिखा आपने होम की पेज की. जो appears, हमने पढ़ा था कि फर्स्ट पेज होता है वेबसाइट को होम पेज कहते हैं जहां पे किसी भी वेबसाइट का बेटा एक दो चीजें हैं बल्कि तीन चीजें हैं एक होता है साइन इन एक होता है साइन अप और एक होता है साइन आउट साइन अप का मतलब है किसी चीज को क्रिएट करना लाइक जैसे कि आपने देखा कि हम यहाँ पे ईमेल प्रोग्राम क्रिएट कर रहे थे सो हम जाएंगे साइन अप के ऑप्शन पे अगर मेरा ईमेल पहले से बना हुआ है और मैं उसे ओपन करना चाहती हूँ जस्ट ओपन करना चाहती हूँ तो मैं जाऊंगी साइन इन के ऑप्शन पे और अगर मैंने कोई भी ई मेल प्रोग्राम यूज करी और उसे बंद करना चाहती हूँ तो मैं जाऊंगी साइन आउट

आपका यूजर नेम क्या होगा यूजर नेम जैसे कि आपकी आ, किसी भी नेम का यूजर नेम होता है जैसे आयशा डबल वन एट जी मेल डॉट कॉम ये एक यूजर नेम है जिसमें एट द रेट साइन यूज होता है वो आपका यूजर नेम होता है तो आप उसके तमाम रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करेंगे क्लिक बटन टू सबमिट योर फॉर्म आई एक्सेप्ट बटन ये जो आई ऐसा बटन है जब आप पूरा आ, फिल कर लेंगे तो आई एक्सेप्ट बटन का मतलब है मैं कबूल करता हूँ कि जो मैंने ऊपर लिखा है वो सब ट्रू है इसके बाद आप उसको सबमिट करेंगे इफ ऑल एंट्रीज आर फिल्ड करेक्टली योर योर अकाउंट इज क्रिएटेड एंट्रीज का मतलब है ये एंट्रीज आप लोग की लाइक पासवर्ड यूजर नेम जो आपका है ये तमाम एंट्रीज अगर आपने फिल कर ली है करेक्टली तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा अब फिल आपने कुरेक्ट किया है कि नहीं इसका क्या मतलब है आगे देखते हैं बेटा ये आपको मैंने पिक्चर शो की है ये जब आप अकाउंट पे साइन अप करते हैं तो आपको ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलता है ये एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है बेटा रजिस्ट्रेशन फॉर्म लाइक आप एक स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो स्कूल में एडमिशन जब आप लेते हैं तो आपको एक फॉर्म दिया जाता है वो फॉर्म का मकसद क्या है कि आपकी तमाम इंफॉर्मेशन रखना कि आपका नेम क्या है आपका प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है आप कौन से स्कूल से आए हैं आप इस स्कूल में क्या करना चाहते हैं वो प्रीवियस रिकॉर्ड के लिए आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म यूज करते हैं

क्रिएट अ पासवर्ड आप क्या पासवर्ड रखना चाहते हैं लाइक like, आप पासवर्ड रखना चाहते हैं एंड इसी पासवर्ड को आप यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड में एक दफा लिखेंगे इट्स मीन कि वही पासवर्ड जो आपने ऊपर रखा है वो नीचे लिखेंगे ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंफर्मेशन है आप सेम एड्रेस टाइप करते हैं। करते हैं हैं लाइक जब आप आप फ़ोन का पासवर्ड चेंज देखते हैं कि बेटा e की पासवर्ड को आप दो दफा लिखते हैं फॉर द सेक ऑफ कंफर्मेशन करने के बाद बेटा यहाँ पे बर्थडे पे जब आते हैं तो मंथ ये अप एंड डाउन एरोस है यहाँ पे आप सिलेक्ट करके अपना बर्थडे मंथ सेलेक्ट करेंगे लाइक आपने अपना बर्थडे मंथ सेलेक्ट किया है जनवरी सेलेक्ट किया है इसके बाद बेटा आप यहाँ पे डे लिखेंगे कि कौन सी डेट को ईयर लिखेंगे इसके बाद जेंडर आप मेल है या फीमेल करेंगे यहाँ पे मोबाइल फोन का ऑप्शन है वहाँ मोबाइल फोन आप लिखेंगे अपना फोन नंबर लिखने के बाद बेटा नीचे सबमिट का ऑप्शन और उस पर क्लिक करेंगे जैसे आप क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो फिल हो जाएगा सबमिट करने के बाद ऑल एंट्रीज आर फिल्ड करेक्टली अगर तो तमाम एंट्रीज फिल्ड करेक्ट हुई है तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा बेटा फिल्ड सही होना मतलब यहाँ नेम है तो उसका मतलब है ये सब, आप जो है, वो एंटर करेंगे. इस तरह से फॉर्म तो में नहीं हो सकता इसी तरह से जो आपका बर्थडे मंथ करेंगे जेंडर करेंगे तो बेटा अगर तो आपने सब करेक्ट फिल किया है नेम की जगह फोर लिख दिया तो इसका मतलब क्या है कि वो रॉन्ग है तो इसका मतलब है कि जो आपने एंट्री फिल की है वो ठीक फिल नहीं की हुई वो गलत फिल किया जैसे आप गलत फिल करेंगे तो आपको साथ ही वो जो है एक ऑप्शन दे देगा कि आपने गलत फिल किया वो दोबारा इम्पटि हो जाएगी और आपको स्टार की फॉर्म में रेड तरह रेड कलर का जो है इस तरह से ऑप्शन दे देगा कि इसे फिल करेंगे कंपलसरी है जैसे आप सारी एंट्रीज एंट्री फिल कर लेंगे एंड पे वो कह देगा कि आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है Thank you class. I love this. Stay safe. Stay home.